आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 शब्द भंडार पढ़ा रही हूँ। बच्चों, शब्द भंडार में हम कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला है, हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पहले हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं, या जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थक शब्द है। बच्चों, याद रखना कि पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? समानार्थक शब्द। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या समुच्चय बोधक को और किस नाम से जाना जाता है? योजक शब्द के नाम से जाना जाता है। वैसे ही पर्यायवाची को समानार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे माँ के नाम इस प्रकार हैं, जननी, धात्री, माता। माता को जननी भी कहा जाता है बच्चों, धात्री भी कहा जाता है और माता भी कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार गणेश के नाम के पर्यायवाची, गणेश को विनायक भी बोलते हैं, गणपति भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं, लंबोदर, लंबा है उनका उदर इसलिए उनको लंबोदर भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ का मतलब होता है बच्चों याद करना। देखो, ईश्वर, ईश्वर को नारायण, दीनबंधु, भगवान, जगदीश, प्रभु, परमेश्वर, इतने नामों से जाना जाता है। हनुमान को कपीश, पवनसुत, केसरी नंदन, महावीर। चंद्रमा, चांद, सोम, राकेश, निशाकर, मयंक और शशि के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इसमें शीश लिखा है ना, शशि होता है बच्चों ये, ठीक है। सूरज, सूर्य, रवि, दिनेश, प्रभाकर, भानु, दिनकर। पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, पुहुष, प्रसून, सार। अब बच्चों, अगला है प्रकाश, रोशनी, ज्योति, उजाला, चमक और प्रभा। फिर देखो बच्चों, नदी सरी, सरिता, सजला, आपगा, तरंगिणी। धनुष, चाप, कमान, धनु, शरासन, कोदंड। फिर ये है बेटा इंद्र, ठीक है, इंद्र को देवेश, देवेंद्र, सुरराज, सुरेश, देवराज, शुक्र। आसमान, आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। आग, अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अंग, अंश, शाखा, शरीर का कोई अवयव। अपेक्षा, इच्छा, आशा, आवश्यकता। आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, आमोद, उमंग। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षी। हाथी, गज, हस्ती, गजेंद्र, कुजर। अब अगले देखो बेटा, सिंह को कहते हैं शेर भी कहते हैं, वनराज, केसरी, नाहर, सांप, नाग, सर्प, विषधर, भुजंग, और ये क्या है बच्चों? फणधर। फन होते हैं ना इसके, इसलिए इसे फणधर भी कहते हैं। सॉरी बेटा, घोड़ा, अश्व, तुरंग, हय, घोटक। राजा, नरेश, नरेंद्र, अवनीश, भूपति, भूप। रात, निशा, रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी। वृक्ष, पेड़, तरु, पादप, विटप, त्रुम। ठीक है बच्चों, अगला है शत्रु, दुश्मन, वैरी, रिपु, अरि, विपक्षी। शोभा, कांति, प्रभा, आभा, विभा, छटा।
पुत्री को किस किस नाम से जाना जाता है? सुता, नंदिनी, बेटी, आत्मजा। आत्मजा और पुत्र होता ना बच्चों इसकी जगह, तो ये आत्मज हो जाता, ये बेटा हो जाता, ठीक है, ये सुत हो जाता। देव, सुर, अजर, देवता, निर्जर, जल, पानी, नीर, वारी, तोय, पय, कपड़ा, अंबर, वस्त्र, चीर, पट, वसन, घर, सदन, गृह, निकेतन, धाम और आलय, वन, जंगल, अरण्य, कांतार, कानन, विपिन, वायु, हवा, अनिल, मारुत, समीर, पवन, सोना, स्वर्ण, कल्धौत, हेम, कंचन, कनक, कुंदन, समुद्र। समुद्र को देखो बच्चों किस किस नाम से जाना जाता है? सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि और जलधि। बच्चों ये सारे पर्यायवाची आपको लर्न करने हैं। बच्चों इसमें कितने दिए गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए गए ना। आप लोग चार चार पर्यायवाची ढंग से याद कर लेना बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इस पाठ का अगला भाग मैं अब आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।